सामने आ जाइए, देखिए कैसा भी चमक आपको नहीं लगा नहीं होगा। छोड़िए छोड़िए भैया, छोड़िए भैया, भैया नहीं भैया। और फोन किए थे? जी हाँ फोन किए थे। क्या बात है बताइए, बोलिए। कहाँ पर क्या कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चमकता हुआ देखे? गए कोयला लेने, कोयला लेने गए तो कुछ चमकता हुआ देखे। अच्छा, उसके बाद हम खोलने खोजे फिर उठाने तो देखे मेरा तो सांप काट दिया। सांप काट दिया जी, सांप काटा। काटने का बाद 20,000 रुपये खर्चा हुआ। कल ट्रीटमेंट किए, आज मतलब पट्टी मारे हैं। तो आज फिर आगे उसको देखने के लिए कुछ है? अच्छी है वहाँ पर कुछ तो है, मतलब सोना ऐसा कुछ है। चलिए दिखाइए, चलिए आ जाइए। दोस्तों आप देख रहे हैं सुजय स्नीक सेवर यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी को। अगर हमारे फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल में नया है तो फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज बहुत ही रोमांचक एक वीडियो हम लाए हुए हैं आपके लिए। ये भाई ने कहीं पर सोना दिखा हुआ, वो भी सांप जो है, नागराज जो है स्वयं वहाँ पर बैठा हुआ है ना, रक्षा कर रहा है जगह का। तो चलिए अब क्या रहस्य है क्या नहीं, ऐसे में खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। चलिए लेते हैं 2-4-5 ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वक्त और दिखाते हैं आपको क्या चाहिए। चलिए कहाँ पर है बताइए। देखिए और कुछ भाई लोग जो है यहाँ पर, देखिए इधर देख सकते हैं ये लोग वॉच कर रहा है, कहीं पर कुछ देखा हुआ, कुछ देखे हुए हैं क्या आप लोग भी? क्या चीज नजर आ रहा है? गहना नजर आ रहा है, गहना नजर आ रहा है। चलिए आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से ये सुरंग टाइप का एक जगह है और यहाँ पर झील वगैरह भी है और झील के यहीं पर कहीं पर ये भाई जो है देखा हुआ है गहना और इसके हाथ में कल सांप ने बाइट कर दिया था। अब क्या रहस्य है क्या नहीं, ऐसे में खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। हमारे इधर बारिश बहुत तेज का हो रहा है और यहाँ पर बारिश के यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये कुछ देखा हुआ, कहाँ पर है बताइए। इधर आप हट जाइए थोड़ा सा, देखिए ये कोयला खदान है और कोयला खदान में जो है कोयला निकालने के लिए ये आया हुआ था। देखिए इसी जगह में है जी, जी वो डब्बा पे, ये डब्बा में है जी बॉक्स। क्या चीज़ समझ में आया आप लोगों को? नहीं भैया देखे तो नहीं, मतलब उसमें कुछ था कि काटा मेरे को साफ, देखने गए थे बाकी ऐसा देख नहीं पाए। देखिए सामने आ जाइए, देखिए कैसा भी चमक रहा है ये डब्बा, ये अलग ही टाइप का डब्बा है, इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऐसे में कहीं से भी खतरा आ सकता है। चलिए पहले इसे निकालते हैं दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं ये डब्बा में हीरा जवाहरात छुपाया हुआ रहता है और सांप जो है, हमने भी बहुत जगह देखा है सांप जो है क्या करता है, ये डब्बा का रक्षा करता है। आप लोग सुने हैं ना, डब्बा का रक्षा करता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं, आप लोग क्या देखे क्या नहीं, बारिश बहुत तेज हो रहा है। चलिए ऊपर ले जाते हैं फिर इसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, ऊपर की ओर चलिए। रुक जाइए रुक जाइए, रुकिए रुकिए, कुछ भी हो सकता है, सांप वगैरह बोल रहे हैं ना। बाप रे बाप, भयंकर एक सांप है देखिए। आय हाय, देखिए देखिए इसके अंदर क्या है देखिए। अरे बाप रे, हीरा जवाहरात से भरा हुआ और ये देखिए सांप जो है एक अंगूठी भी, अंगूठी को दिखाइए, अंगूठी को दिखाइए। ये बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही खतरनाक नजारा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये सांप जो है एक हीरा जवाहरात पूरा लेकर बैठा हुआ है। देखिए इधर देखिए, बाप रे बाप, देख रहे हैं ना, हीरा जवाहरात से भरा हुआ ये गहना और देखिए बहुत सारा सोना का सामान, हीरा का सामान
और दोस्तों देखिए नागमणि भी है, सामने आइए नागमणि भी है, देखिए देखिए देखिए। और ये अंगूठी किस चीज का है, देखिए ये अंगूठी जो है वो हीरा का अंगूठी है, देख सकते हैं। आज ये जंगल में अद्भुत सा नजारा एक कैमरे में कैद हुआ। चलिए इसे कैद पहले ये करते हैं, चलिए इसे अब कहीं दूर जाके खोलेंगे। ये क्या बदतमीजी है आपका, कहाँ जा रहे हैं? इसके खोलेंगे, इसको लेकर जा रहे हैं, सांप तो पकड़ लिए। तुम आपको ले जाने नहीं देंगे, आप कैसे लेके चल जाइए। देखिए भैया बदतमीजी, देखिए इसका बदतमीजी, देखिए कैसे लेके जा रहे हैं आप, ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं आप। देखिए ये बदतमीजी मत कीजिए, आप लेके कैसे जा रहे हैं भैया बताइए, क्या करना है इसको बताइए, क्या करना है इसको, गाँव वाले क्या करना है, गाँव वाला का भी करना है, कैसे गाँव वाला का, छोड़िए छोड़िए, कैसे गाँव वाला आपका, कैसे कैसे नहीं आप लेके चल जाइएगा, आपको कैसे ले जा देंगे भैया, हम आपको नहीं ले जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए क्या अनर्थ कर दिया है ये सांप को जो है, चलिए आपके ऊपर सांप छोड़ देंगे हम, ऐसे कैसे आप, इधर देखिए सांप जा रहा है, इधर देखिए ये सब बिखरा हुआ है, छोड़िए छोड़िए मेरा सामान, छोड़िए भैया सामान, छोड़िए भैया, नहीं 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 सामान छोड़िए भैया, सामान छोड़िए, छोड़िए भैया, छोड़िए भैया, भैया नहीं भैया, देखिए काम किया कि नहीं बताइए, ये तो गांव वाले का चीज है भैया, हमको सांप पकड़ने के लिए बुलाया कि नहीं बताइए, सांप लेके जाइए, साफ कैसे लेकर भैया, हम पूरा ये सब मेरा ही है ना भैया, हम तो पकड़ दिए, ये जो भी है जान नहीं चला जाता, बताइए हम पकड़ दें यहाँ पर, नहीं मिला तो गांव वाले, नहीं ये सब गलत बात है भैया, देखिए आप लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, दिला दीजिए कम से कम कुछ तो दिला दीजिए, गांव वाले की फैसला करेंगे ये, देखिए वैसे सरपंच देखिए गांव वाले का फैसला आप ही लोग में करेगा, जो आप ही लोग को मिलना चाहिए, जो भी मिला है तो कुछ तो हमको मिलना चाहिए भैया। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम जो है सांप को रेस्क्यू कर दिए हैं, और रेस्क्यू करने के बाद जो भी खजाना मिला ये लोग अपने लेकर भाग गए हैं, यह सब बिल्कुल आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग बताइए कमेंट कीजिए हमको खजाना मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, आप ही लोग बताइए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग बता रहे हैं गांव वाले फैसला करेंगे, यहां पर आप लोग चार पांच आदमी थे ना, तो आप लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए था, ये सब गलत बात है भैया, कुछ दिला दीजिए हमको, नहीं तो ये जो है ना ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, फिर आप लोग समझिएगा, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे भैया, हम अभी आप वॉच कर रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल, आप लोग हमको नहीं जानते हैं, जानते हैं ना क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इसी प्रकार से खजाना वगैरह नुका कर, देख सकते हैं आप लोग ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस एक फेक चीज है, 10-20-30 रुपया में खरीदा हुआ सामान है, ये सब कोई काम का चीज नहीं है। आप आ जाइए संजय भैया, आ जाइए, देखिए वो जो भैया को आप देख रहे हैं वो जो आ रहा है, हम लोग लिए रेडी किए हैं, क्या करता है आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा वीडियो बना देता है, और बनाने के बाद क्या करता है सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, और अपलोड करने के बाद क्या करता है सचमुच का देखिए खजाना मिला है, तो ऐसा खजाना कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि आगे के जमाने में बहुत कोई कहते थे, आगे के जमाने में खजाना मिट्टी में गड़ा हुआ मिलता था, लाइए ये वाला देखिए ये बिल्कुल फेक है, मिथक है, नागमणि वगैरह कुछ नहीं है, ये 5 रुपया का स्टोन, ये 50 रुपया का ये है, और ये 50-100 रुपया का ये अंगूठी, हीरा का अंगूठी। तो हम ये पूरे टीम को लेकर एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप लोग बेवकूफ नहीं है और हम भी बेवकूफ नहीं है, बहुत सारा वीडियो हम देखते हैं और बहुत सारा हमारे पास कमेंट आ रहा था भैया, इसीलिए ये वीडियो हम क्रिएट किए हैं, और आप लोग पीछे आ जाइए, इसीलिए ये भैया लोगों को लेकर हम वीडियो क्रिएट किए हैं, और वीडियो क्रिएट करने के बाद आप लोगों को जानकारी दिए हैं, बताइए ऐसा हो सकता है कभी, ये कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, और ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास मत फैलाइए, नागमणि वगैरह ये सब नागमणि वगैरह कुछ नहीं होता, ये नागमणि को देख सकते हैं, ये नागमणि चला गया, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बिल्कुल फेक है, सोना हीरा जवाहरात अगर काम कीजिएगा, पैसा आपके पास है तभी आपको मिल पाएगा, मिल पाएगा, सच बात है ना, अगर काम नहीं कीजिएगा तो कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा ठेंगा, इस तरह का खजाना के पीछे मत करिए, मेहनत कीजिए खुद ब खुद खजाना मिल जाएगा, मेहनत कीजिए खुद ब खुद खजाना मिलेगा, चलिए बहकाने की वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ। देखिए और बनाया जा रहा है, अगर कोई ये वीडियो में हमारे तरफ से कोई अगर दिक्कत आपको बुझाया होगा इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सॉरी, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, फेसबुक आईडी पर नया है तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। Gracias.